उबेर के जरिए रेलवे टिकट काला बाजारी करने वाले शख्स को आरपीएफ ने धर दबोचा है। आरोपी ने 80 से 82 लाख का व्यापार किया है। लैपटॉप खंगालने पर ऐसी जानकारी मिली है। हनुमान नगर प्रोफेसर कॉलोनी में आरपीएफ ने टिकट कालाबाजारी करने वाले आरोपी प्रवीण झाड़े उम्र 43 वर्ष को उसके घर से गिरफ्तार किया है, जिसके पास से लैपटॉप मोबाइल समेत 2,30,000 रुपए का माल जब्त किया गया है। जब आरोपी के लैपटॉप को खंगाला गया तो जानकारी सामने आई कि उसके पास एक सॉफ्टवेयर है जिससे वो तत्काल टिकट बुक करता है और वो अब तक टिकट कालाबाजारी का 80 से 82 लाख रुपए का व्यापार कर चुका है। आरपीएफ इस मामले में और गहनता से जांच कर जानने की कोशिश कर रही है कि आरोपी ने ये सॉफ्टवेयर खरीदा किससे है। इस तरह से और कोई सॉफ्टवेयर के जरिए ये अवैध टिकट बुकिंग तो नहीं की जा रही, इन एंगलों से भी पुलिस जांच कर रही है। मुख्यालय के अनुसार श्रीमान वरिष्ठ मंडलाधिकारी श्री आशुतोष पांडे साहब के निर्देशन में एक मुहिम चलाई जा रही है रेलवे टिकटों का अवैध व्यापार करने वालों के खिलाफ। इसी मुहिम के मद्देनजर दिनांक 13/5/2023 को मुख्यालय से प्राप्त डाटा के अनुसार हनुमान नगर प्रोफेसर कॉलोनी में एक रेड की गई घर के अंदर, जिसमें रहने वाला प्रवीण झाड़े नामक व्यक्ति उम्र लगभग 43 को उसके घर से डाटा के अनुसार चेक किया गया तो उसके पास रेलवे टिकट बनाने के डाटे पाए गए। उसी जगह पे उसको चेक करने पर उसके पास से 2,30,000 के समथिंग का डाटा के अनुसार टिकट, उसका लैपटॉप और मोबाइल सीज किया गया। उसके बाद आगे की जांच की गई, जांच करने पर उसके जो डाटा के मोबाइल उसमें लैपटॉप में जो डाटा थे उसको खंगाला गया। चेक करने पर उसने लगभग 80 से 82 लाख के समथिंग का व्यापार करना उसमें प्रतीत हुआ। तो गहनता से पूछताछ करने पर उसने पाया कि उसके पास एक सॉफ्टवेयर है नेक्सस वाला, तो उसी के माध्यम से वो तत्काल टिकट बुक करता था और यात्रियों का टिकट का कालाबाजारी करता था। इसी क्रम में उससे पूछताछ की जा रही है। अभी तक उसके पास से लगभग 83 या 84 लाख के समथिंग का डाटा हमने चेक कर लिया है और आगे की पूछताछ के लिए उसको अभी पीसीआर लेकर अभी पूछताछ की जा रही है। उपरोक्त कार्रवाई श्रीमान वरिष्ठ मंडल सुरक्षा महोदय के आदेशानुसार एक टीम गठित की गई, जिसमें PSI प्रियंका सिंह, हेड कॉन्स्टेबल सोनवने, कॉन्स्टेबल अमोल चाचपुने, कॉन्स्टेबल श्याम सरयाम, कॉन्स्टेबल मोहनलाल देवांगन और अदर स्टाफ के साथ उस पर कार्रवाई की गई। लगभग 2016 या 2017 से इसने रेलवे टिकटों का कारोबार शुरू किया है और ये अभी हम इस मुद्दे पे भी जा रहे हैं कि ये जो सॉफ्टवेयर खरीदता है वो कहाँ से परचेज किया है और इसमें सॉफ्टवेयर में इसके अलावा और भी कितने सॉफ्टवेयर या पहले भी कोई यूज किया है कि नहीं किया है, ये सब जानकारी अभी उससे निकाली जा रही है। घर घर पर बैठ के पूरा काम करता था और वहीं पे बुकिंग लेता था मोबाइल पे माध्यम से और उसी को व्हाट्सएप के माध्यम से टिकट भेजता था। NBCN न्यूज़ के लिए अखिलेश भारद्वाज के साथ माहिन पठान की रिपोर्ट।